नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुरक्षा जवान भर्ती के संबंध में, जिसमें आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सुरक्षा जवान भर्ती के संबंध में हम संपूर्ण जानकारी इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये भर्ती की बात कर ले तो जिला प्रशासन एवं निर्मल के सौजन्य से सुरक्षा जवान भर्ती जिला छतरपुर में निकली है दोस्तों। पद एवं योग्यता यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सुरक्षा जवान का पद है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रशिक्षण केंद्र साधनगर क्लू शारदा नगर हैदराबाद, स्किल इंडिया के अंतर्गत एजलाइजेशन सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 60 वर्ष हेतु नियुक्ति, मतलब आपको 60 वर्ष की नियुक्ति, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल। पद एवं योग्यता यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पद यहाँ पर सुरक्षा जवान का है, 10वीं योग्यता रहेगी। सुपरवाइजर का पद है, स्नातक पर एनसीसी रहेगी, एनसीओ का पद है, स्नातक पर एक्सपीरियंस रहेगा, हाउसकीपिंग का पद है 8, ठीक है। सुरक्षा जवान के लिए 18 से 37 वर्ष लग, और सुपरवाइजर के लिए भी 25 से 37 वर्ष, और एनसीओ के लिए भी 30 से 37 वर्ष, और हाउसकीपिंग के लिए 18 से 37 वर्ष। ऊंचाई यहां पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा जवान के कुल 500 पद हैं, सुपरवाइजर के 40 पद हैं, एनसीओ के 15 पद हैं, और हाउसकीपिंग के भी 15 पद यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेतन यहां पर आपको देखने, सुरक्षा जवान के लिए 14,000 से लेकर 18,000 रुपये यहां पर आपको वेतन दिया जाएगा, और एनसीओ के लिए आपको 18,000 से लेकर 20,000 तक वेतन दिया जाएगा, और पोस्टिंग के आधार पर राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम एक्ट 1984 के अंतर्गत आपको भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब पेमेंट तो आपकी रहेगी रहेगी, साथ में आपको भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा। सुविधाएं क्या दी जाएगी दोस्तों, आपको 10 वर्ष सेवा पश्चात पेंशन आपको प्रारंभ कर दी जाएगी, 5 वर्ष पश्चात मेच्योरिटी पीएफ आपको दिया जाएगा, मेडिकल व्यवस्था दी जाएगी, लोन की सुविधा, सालाना वेतन वृद्धि 10 लाख तक का, दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमोशन स्थानांतरण होने पर टीएफ एवं बोनस आदि आपको यहाँ पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुरक्षा जवान के लिए 1 माह एवं सुपरवाइजर के लिए 2 माह का परीक्षण रहेगा, जिसके अंतर्गत शारीरिक परीक्षण भारत सरकार के पास्ट एक्ट 2005 के तहत किया जाएगा। स्थानांतरण में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, संस्था के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, भारतवर्ष के बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं हाईवे, हवाई अड्डा स्थानों पर आपको स्थानांतरण किया जा सकता है। और यहाँ पर स्थानांतरण के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, 2 फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक साथ मिला, रजिस्ट्रेशन शुल्क हेतु 250 रुपये चयन, अगर आपका चयन हुआ तो ही आपको 250 रुपये यहाँ पर शुल्क देना है। सुरक्षा जवान में चयनित युवकों को प्रशिक्षण केंद्र पहुँचने पश्चात एवं ड्रेस किट हेतु 5,000 रुपये स्वयं की इच्छा अनुसार करना होगा, जिसमें आवास, निवास, खाना आदि सुविधाएं, आवास, रहने के लिए व्यवस्था, आपको खाना सुविधा सभी मुफ्त रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं छतरपुर जिले में जो यहाँ पर विकासखंड है उसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त विकासखंडों के अभ्यर्थी आवेदन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर विकासखंड दे रहा है कि जनपद पंचायत कार्यालय बड़ा मल्हार में यहाँ पर 5 तारीख को भर्ती होनी है, नगर परिषद कार्यालय घुवारा में यहाँ पर 6 तारीख को भर्ती होनी है, 6-9 हैं, ठीक है। जनपद पंचायत कार्यालय नौगांव में 7 तारीख को भर्ती होनी है, नगर परिषद कार्यालय हरपालपुर में यहाँ पर 8 तारीख को भर्ती होनी है, जनपद पंचायत कार्यालय लपकुश नगर में यहाँ पर 9 तारीख को भर्ती होनी है, नगर परिषद कार्यालय महाराजापुर में यहाँ पर 12 तारीख को भर्ती होनी है, नगर परिषद कार्यालय चंदला में यहाँ पर 13 तारीख को भर्ती होनी है, नगर परिषद कार्यालय सटई में यहाँ पर 14 तारीख को भर्ती होने वाली है, ठीक है। ग्राम पंचायत ईशानगर में 15 तारीख को भर्ती होने वाली है, और जनपद पंचायत कार्यालय छतरपुर में भी भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। संपर्क करें भर्ती प्रबंधक से, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। भर्ती का समय रहेगा 11 बजे से शाम 3 बजे तक। तो दोस्तों, आपको इसमें 1 भी पैसे नहीं देना है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको 250 रुपये देना, और 500 रुपये आपके जो आपके कपड़े अपने हैं उसके लिए 500 रुपये ले रहे हैं। बाकी दोस्तों पूरी फ्री है, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, प्लस बोनस आपको मिल रहा है, प्लस आपकी पोस्ट में आपको बढ़ाते भी रहेंगे वो अंतर्गत, ठीक है। और आपको यहाँ पर पेंशन की भी सुविधा मिल रही है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर पीएफ, आप मैच्योरिटी, आप
कर सकते हैं, लोन की सुविधा मिल रही है, दुर्घटना बीमा मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत कुछ सुविधा यहाँ पर आपको मिल रही है सुरक्षा जवान भर्ती में। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ऐसी नई अपडेट नई वैकेंसी देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।